नमस्कार साथियों, टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब की जो हाउसिंग होती है उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो क्या क्या फंक्शन करती है प्लस किससे बनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या क्या होता है। कैथोड होता है और एनोड होता है, और यह आपकी आउटपुट विंडो या आउटपुट एग्जिट विंडो जिससे यूजफुल एक्सरेज निकलती है। जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ये एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये एक्सरेज ओनली इसी यूजफुल डायरेक्शन में नहीं जाती, एक्सरे का प्रोडक्शन ऑल डायरेक्शन में होता है, ऑल डायरेक्शन में एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। ऐसे नहीं ये यूजफुल एक्सरे आ रही है एग्जिट विंडो से, ऑल डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये एक्सरेज बाहर जाएगी, पेशेंट को लगेगी, प्लस जो वर्कर्स है उनकी डोज बढ़ाएगी। ये एक प्रकार की हमारी अननेसेसरी रेडिएशन होती है। तो ये अननेसेसरी रेडिएशन है, इनका इमेज फॉर्मेशन में तो कोई योगदान होता नहीं है। ये केवल पेशेंट प्लस जो वर्कर होता है रेडिएशन वर्कर उसकी डोज बढ़ाने का काम करती है हमारी अननेसेसरी रेडिएशन, अनावश्यक जो विकिरण है ये। तो इसके लिए अपन इस अननेसेसरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपन इसके चारों तरफ एक्सरे ट्यूब को इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ, चारों तरफ इसके हाउसिंग लगा देते हैं। ग्लास एनवेलप रहता है, उसके बाहर हमारी एक्सरे ट्यूब के मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है। अब जो ट्यूब हाउसिंग है ये किससे बनी होती है, जो ट्यूब की हाउसिंग है वो किससे बनी होती है, ट्यूब हाउसिंग ये बनी होती है आपकी मेटेलिक स्ट्रक्चर जिसमें स्टेनलेस स्टील स्टील प्लस इसमें लेड की लाइन दी जाती है, प्लस लेड की लाइन दी जाती है। तो ये मेटेलिक स्ट्रक्चर की बनी होती है जिसमें स्टेनलेस स्टील प्लस लेड की लाइनिंग दी जाती है इसमें ट्यूब हाउसिंग में, क्योंकि एक्सरेज ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये लीकेज रेडिएशन या जो अननेसेसरी रेडिएशन है ये पेशेंट प्लस वर्कर की रेडिएशन को बढ़ाती है। तो इसके लिए अपन जो ट्यूब होती है हमारी एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स उनको अपन उसमें रखते हैं मेटेलिक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेनलेस स्टील प्लस स्टील की बनी होती है। अब जो ये यूजफुल एक्सरे है ये तो इमेज फॉर्मेशन करती है, और ये वाली इमेज फॉर्मेशन में इनका कोई योगदान नहीं होता या कोई यूज नहीं होता इनका इमेज फॉर्म करने में। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो ये अननेसेसरी रेडिएशन है या ये जो एक्सरेज है ओ डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन के अलावा तो ये क्या करती है, पेशेंट फिल्म होती है उस पर फोग प्रोड्यूस करती है। फोग प्रोड्यूस, फोग क्या होता है, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड का डेवलपमेंट, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो अपनी अननेसेसरी रेडिएशन होती है वो फोग प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो हमारी ट्यूब हाउसिंग का फर्स्ट फंक्शन हो गया कि वो हमारे अननेसेसरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, दूसरा फोग प्रोड्यूस होने से प्रोटेक्ट करती है। अगर ट्यूब हाउसिंग नहीं होगी तो फोग प्रोड्यूस होगा और वो जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स है उनको डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारी ट्यूब हाउसिंग का सेकेंड फंक्शन हो गया कि वो फोग प्रोड्यूस होने से अपन को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फोग फॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारी ये ट्यूब हाउसिंग है, ये ट्यूब हाउसिंग इसकी इफेक्टिवनेस, जैसे यहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी जो इफेक्टिवनेस या दक्ष क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए मेजरमेंट करते हैं अपन कि जो ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है वो लीकेज रेडिएशन है जो इस ट्यूब हाउसिंग के बाहर जा रही है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके मेजरमेंट के लिए अपन टारगेट से 1 मीटर डिस्टेंस पर,
मतलब एनोड से 1 मीटर डिस्टेंस पर क्या करते हैं, रेडिएशन का मेजरमेंट करते हैं, और ये रेडिएशन हमारी 100 मिली रोंजन पर होर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस रेंज से ज्यादा होगी तो हमारी जो ट्यूब हाउसिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें लीकेज है। तो ये अपनी इफेक्टिवनेस पता चलती है कि ट्यूब हाउसिंग कितनी इफेक्टिव है, जो ट्यूब में अपन ने हाउसिंग की है वो कितनी इफेक्टिवनेस है। अब इसके बाद अपन और देखते हैं कि इसमें जो हमारी एक्सरे ट्यूब हाउसिंग है वो और क्या प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारी ट्यूब हाउसिंग हाई पोटेंशियल से प्रोटेक्ट करती है, हाई पोटेंशियल से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ट्यूब और ट्यूब हाउसिंग के बीच लगभग 125 केवी पोटेंशियल होता है, तो इतना ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, ट्यूब हाउसिंग, और इसके लिए कैथोड और एनोड को एक केबल के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एचटी केबल, एचटी केबल के द्वारा। तो ये हमारी जो ट्यूब हाउसिंग का थर्ड फंक्शन हुआ वो है हाई पोटेंशियल से प्रोटेक्ट करना, इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है इन दोनों के बीच, उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, हमारी ट्यूब हाउसिंग का। इसके बाद अपन इसका फोर्थ फंक्शन देखते हैं ट्यूब हाउसिंग का, तो वो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करना। इसके लिए क्या करते हैं, देखो ये इसमें जो हमारा ग्लास एनवल्प है, देखो ये ग्लास एनवल्प आपका, ये एक्सरे ट्यूब हाउसिंग, इन दोनों के अपन बीच में भर देते हैं थिक मिनरल ऑयल, ठीक है, मिनरल ऑयल। ये थिक मिनरल ऑयल अपन ग्लास एनवल प्लस ट्यूब हाउसिंग के बीच भर देते हैं। ये थिक मिनरल ऑयल अपन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करवाता है, डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करवाता है, कौन, थिक मिनरल ऑयल। तो ये भी ट्यूब हाउसिंग का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करवाने का काम हो गया। इसके लिए अपन थिक मिनरल ऑयल भरते हैं, थिक मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है, और जो हमारी हीट होती है उसका होता है कंडक्टर, हीट का कंडक्टर। तो इसके लिए ये क्या करता है, जो वैक्यूम से, मतलब जो अपन ने यहां एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया था निर्वात, ये निर्वात से आई हुई या वैक्यूम से आई हुई हीट को ग्लास एनवल्प तक, और ग्लास एनवल्प इस हीट को किसको दे देता है, एक्सरे ट्यूब हाउसिंग को। तो ये एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से थिक मिनरल ऑयल द्वारा बाहर एनवायरमेंट में रेडिएट कर दी जाती है, कौन, ये जो हमारी इतनी ज्यादा टारगेट, जब इलेक्ट्रॉन्स स्टक करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है 99%, तो ये हीट थिक मिनरल ऑयल द्वारा कंडक्टर कर दी जाती है, किसमें, वातावरण में रेडिएट कर दी जाती है। अब कन्वेक्शन के द्वारा वातावरण में, संवहन द्वारा वातावरण में रेडिएट कर दी जाती है। अब अपन थिक मिनरल ऑयल भर रहे हैं इसमें, तो थिक मिनरल ऑयल भरते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई भी रिजिडुअल रिजिडुअल एयर नहीं होनी चाहिए, मतलब अवशेष एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हीट है, ये हीट रहेगी तो इसमें अगर एयर प्रेजेंस रहेगी तो ये एयर क्या होती है, एयर हीट होकर एक्सपेंड होने की, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने की प्रवृत्ति रखती है एयर। तो ये इतनी ज्यादा, अगर इसमें रिजिडुअल एयर की एक भी ड्रॉप रह गई तो ये एयर एक्सपेंड होने लगती है, और जो हमने ट्यूब हाउसिंग की जो सील है उसको ब्रेक होने के चांस रहते हैं। तो इसमें अपन यही ध्यान रखते हैं कि थिक मिनरल ऑयल में रिजिडुअल एयर नहीं होनी चाहिए, इसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए टोटली, जो अपनी एयर है अवशेष या रिजिडुअल एयर है इसको अपन एक्सक्लूड कर देते हैं। अदरवाइज अगर एयर रहेगी तो हमारी जो ट्यूब हाउसिंग की सील है उसको लीकेज होने के चांस या सील के ब्रेक होने के चांस रहते हैं। अब जो ये थिक मिनरल ऑयल है आपका, ये क्या होता है कि हीट होना
स्टार्ट कर देता है, हीट होना स्टार्ट कर देता है ये थिक मिनरल ऑयल, क्योंकि इतनी ज्यादा 99% हीट है इसमें। तो ये थिक मिनरल ऑयल आपका या ट्रांसफॉर्मर ऑयल, तो ये क्या होता है कि हीट गर्म होना और कोई भी मटेरियल या ऑयल गर्म होता है तो वो एक्सपेंशन फैलाव प्रसारित होना स्टार्ट कर देता है। तो अपन इसके लिए यहां क्या लगा देते हैं, डायफ्राम की शेप का एक्सपेंशन बिलोज लगा देते हैं। तो जैसे ये ऑयल अगर इधर एक्सपेंड हो रहा है, इधर प्रसारित हो रहा है, तो ये जो डायफ्राम डी शेप डोम शेप स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, आगे इंसर्ट होने लगती है, थोड़ी सी इस शेप में आ जाती है। अब इसके बाद भी अगर हीट इसमें और ज्यादा हो रही है तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन एक्सपेंशन बिलोज के पास लगाते हैं माइक्रो स्विच, माइक्रो स्विच लगा देते हैं। ये माइक्रो स्विच क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है अगर ये एक्सपेंशन बिलोज इसके पास आ जाते, तो ये माइक्रो स्विच एक्टिवेट हो जाता है एक्सरे ट्यूब का फंक्शन करना, एक्सरे ट्यूब के फंक्शन को बंद कर देता है, एक्सरे ट्यूब फंक्शन क्लोज, बिकॉज ये इतनी ज्यादा हीट है वो एक्सरे ट्यूब का फिर अपन एक्सपोज नहीं कर सकते। कई बार जनरली होता है अगर अपन एक्सरे ट्यूब को कंटिन्यूस अगर एक्सरे किए जा रहे हैं तो उसमें जो ऑयल है हमारा थिक मिनरल ऑयल वो माइक्रो स्विच द्वारा एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर एक्सरे ट्यूब हमारी फंक्शन करना बंद कर देती है। इसके बाद जब इसमें जो हीट होती है वो वातावरण में रेडिएशन के द्वारा रेडिएट कर दी जाती है, और जब ये एक्सपेंशन बिलोज फिर अपनी वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं, और जब ये थिक मिनरल ऑयल है वो एकदम प्रॉपर कूल हो जाता है, इसके बाद वापस से अपनी एक्सरे ट्यूब फंक्शन करना स्टार्ट करती है। तो इसके लिए माइक्रो स्विच और एक्सपेंशन बिलोज अपन ने डायफ्राम शेप के लगा के रखते हैं। एक्सरे ट्यूब की तो अपन बात करें तो एक बार समरी में, तो इसका सबसे पहले प्रोटेक्ट रेडिएशन, क्योंकि वर्कर को और हमारा जो पर्सनल डोज है उसको कम करती है। दूसरा ये फॉग से प्रोटेक्ट करवाती है, क्योंकि अननेसेसरी रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में जाएगी तो फॉग से प्रोटेक्ट करवाती है। हाई पोटेंशियल से हमारे को शील्डिंग देती है ये एसटी केबल के द्वारा जोड़ के। चार नंबर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करवाती है, और कई बार जो एक्सरे ट्यूब की सील्स ब्रेक्स होने के चांस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं ये ट्यूब हाउसिंग के द्वारा। थैंक यू गाइज, ट्यूब हाउसिंग में इतना ही, अगले टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इससे भी बड़ी।